बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी और हमारा चैप्टर है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम स्टडी करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो कि बीज कैसे जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट का मतलब होता है उगना। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि एक फूल के अंदर, एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स के अंदर बनने वाले उनके गैमीट्स हैं, उनके सेल्स हैं, वो कैसे आपस में मिलते हैं, तो उसको हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन। तो फिर हमने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बीज और फल बनने का काम मुकम्मल हो जाता है। तो फिर हमने बीज का स्ट्रक्चर तक देखा कि सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर। तो अब हम देखने लगे हैं कि वो बीज जिसको हमने इतनी डिटेल के साथ स्टडी किया, वो सीड जो है वो कैसे ग्रो करता है, हाउ इट जर्मिनेट्स, ये कैसे उगता है। तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बीज है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हालतें बेहतर होनी चाहिए। मतलब कि वो अंदर से भी डैमेज ना हो और उसका सीड कोट भी ख़राब ना हुआ हो, तो उस केस में वो एक हेल्दी बीज होता है। तो जब भी हम एक हेल्दी बीज लेते हैं तो उसको हम सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और सॉइल की भी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए, पानी जो है वो मुनासिब मिकदार में उसको मिलते रहना चाहिए। तो जब भी हम बीज लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो सीड कोट है, सीड कोट सोक्स, सोक्स मतलब एब्जॉर्ब, जज़ब करना, सोक्स वाटर। जब सीड कोट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो उसका सीड कोट है ऊपर वाला खोल बिकम सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। एक तो पानी इसलिए चाहिए ताकि सीड कोट सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब उसके अंदर मौजूद पौधा उगे तो उसको बाहर आने में या सीड कोट को तोड़ने में कोई मुश्किल ना हो। तो पहले तो सीड कोट जो है वो पानी जब जज़ब करके सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जब पानी बीज के अंदर तक पहुंचता है तो उस वाटर जो है, उस वाटर को यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर फूड पर्पज़। फूड पर्पज़ क्योंकि हमने बात की थी कि बीज के अंदर जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है वो खुराक प्रोटीन की सूरत में भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो अगर वो लिपिड की फॉर्म में है तो उसको पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन में वाटर यूज़ होता है, तो इसलिए फिर वो वाटर वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो वाटर का काम था सारे का सारा, वो इसने कंप्लीट कर दिया। इसने सीड कोट भी सॉफ्ट कर दिया और इसने फूड के लिए भी अपना जो काम करना था वो भी इसने काम कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रो, एम्ब्रियो जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है और वो क्या करता है कि वो सीड कोट को तोड़ता है और सीड कोट को तोड़ के ज़मीन से बाहर आ जाता है। अब उसमें सबसे पहले याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि सबसे पहले क्या चीज़ निकलती है, रूट के शूट। सबसे पहले जो है वो रूट निकलती है, रूट इमर्जेस फर्स्ट, सबसे पहले रूट निकलती है। उसके बाद फिर जो प्लोमियल होता है, प्लोमियल वो फिर आगे शूट बना देता है। तो पहले रूट बनती है, जैसे ही रूट बनती है वो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है, और ये एब्जॉर्प्शन जो है ये वाटर की भी है और उसके साथ साथ जो भी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं ये उनकी भी है। लेकिन यहाँ पे हम जर्मिनेशन को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन और एक को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एपीजियल जर्मिनेशन क्या होती है। एपीजियल जर्मिनेशन, हमने पिछले टॉपिक्स में ये देखा था कि प्लांट्स का जो सीड होता है, सीड के अंदर हमने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को स्टडी किया। हमने कहा कि अगर ये बीज है और ये इसका कोटिलेडन है, तो इस कोटिलेडन के साथ अगर उसका एम्ब्रियो अटैच है, द पार्ट अबव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एपिकोटाइल एंड द पार्ट बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हमने उसको हाइपोकोटाइल का, हमने कहा जो एपिकोटाइल है ये शूट डिवेलप कर सकती है और जो हाइपोकोटाइल है ये रूट डिवेलप कर सकती है। तो अब एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि एपीजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल पहले जर्मिनेट हो जाता है, हाइपोकोटाइल जर्मिनेट, उसके बाद ये क्या करता है कि फॉर्म
आहुक और जो कोटिलेडन होता है, कोटिलेडन उसको क्या करता है कि पुल अबव द ग्राउंड, उसको ग्राउंड से ऊपर खींच लेता है। इसको देखते हैं कि ये कैसे करता है। पहला केस फ़र्ज़ किया कि ये सीड है और ये सीड कोट है और इसके अंदर ये जो है ये एम्ब्रियो है। नीचे वाला याद रखें हाइपोकोटाइल है। फ़र्ज़ किया कि पहले हाइपोकोटाइल ग्रो हो गया, इसको हम एक सीरीज़ में देखते हैं, सीरीज़ में। तो फ़र्ज़ किया कि सबसे पहले इसका जो है वो हाइपोकोटाइल ग्रो हो गया। तो हाइपोकोटाइल जैसे ही ग्रो हुआ उसने जो है वो ऐसे रूट्स बनानी शुरू कर दी। तो ये बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती क्योंकि अभी शूट भी बननी है। तो अगले स्टेज में क्या होगा कि अगले स्टेज में यही ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट जो है ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ और ये शूट बन जाएगा। जैसे ही ये ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू होगा, फ़र्ज़ किया कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू हो गया, तो ये ग्राउंड से बाहर आ जाएगा। इसके रूट्स हैं, ये देखते ही देखते ये इतना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा कि ये इस कोटिलेडन को भी बाहर खींचने की कोशिश करेगा। उस केस में क्या होगा कि कोटिलेडन जो है वो बाहर आ जाएगा। उसको उसने पकड़ा और पकड़ के बाहर ले आया। ये उसकी नीचे शूट्स हैं और इस तरह कोटिलेडन जो है वो जर्मिनेशन के दौरान बाहर आ जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो फिर उसकी शूट और ऊपर जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं शूट वाले, तो वो इसके बनते हैं। तो आखिरी स्टेज में ये हमें देखने को मिलेगा कि जो ये मुकम्मल प्लांट है, मुकम्मल प्लांट वो हमें ग्रो होता हुआ दिखाई देगा और इसका जो कोटिलेडन है वो हम देखेंगे कि वो इससे उतर कर ज़मीन पे गिर जाएगा। ये उससे उतर गया और ये ज़मीन पे गिर गया ऐसे। तो ये होती है एपीजियल जर्मिनेशन। आपने मे भी देखा हो इमली का पौधा, अगर आपने उगता हुआ नहीं देखा तो, अगर देखा है तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से होता है। इसके अलावा जो एपीजियल जर्मिनेशन के ज़रिए प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें बीन्स, कॉटन, पपाया यानी कि जो पपीता होता है वो भी ऐसे ही ग्रो करता है। उसके बाद जो आखिरी है उसको हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। वो बहुत सिंपल जर्मिनेशन होती है, हाइपोजियल, हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले एपिकोटाइल ग्रो होती है, एपिकोटाइल जर्मिनेट। इसमें कोई हुक शुक नहीं बनती, इसमें सिर्फ सिंपल शूट और रूट बन जाती है। इसको चलिए नीचे ड्रा कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल किस्म की होती है। इसमें ये होता है कि जो ऊपर वाला हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल वो ऊपर को ग्रो होकर शूट बना दी और ये एपिकोटाइल इसने ग्रो के नीचे, इसमें कोटिलेडन ज़मीन के नीचे ही रहता है। ज़्यादातर पौधे जो आपने देखे हैं वो ऐसे ही ग्रो करते हैं, जो अपना बीज या कोटिलेडन जो है वो बाहर नहीं लेके आते। इनकी एग्जांपल में पी प्लांट है, मेज़ है, कोकोनट है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशन स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।